अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे सिरप के बारे में रिव्यू करूँगा, जिसका नाम है ब्रिटेनल सिरप। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसको यूज़ करने का तरीका क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को गौर से सुनिएगा। जो लोग ब्रिटेनल सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसको किस तरह से इस्तेमाल करें और इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू इस वीडियो में जान सकते हैं। ब्रिटेनल सिरप 60 ml की पैकिंग में अवेलेबल होता है। अगर हम इसकी एक्टिव कंपोजिशन देखें तो इसमें टर्बोटालीन सल्फेट पाया जाता है, जो कि एक ब्रोंको डायलेटर है। तो दोस्तों, इसको लंग्स प्रॉब्लम यानी कि फेफड़ों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, यानी कि सांस की नालियों में कोई मसला है, सांस लेने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इन तमाम कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक ब्रोंकोडायलेटर है। तो अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों, इसको अस्थमा पेशेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दमा के मरीज़ों में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये दमा के मरीज़ों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप है, क्योंकि सांस की नालियों को डायलेट कर देता है और सांस लेने में आसानी पैदा करता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अस्थमा के ट्रीटमेंट डॉक्टर हज़रात प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा इसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक सिचुएशन होती है जिसमें आपकी जो सांस की नालियां हैं इनमें सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, इसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी ब्रिटेनल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसको एम्फाइसीमिया की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी सांस की एक बीमारी है जिसमें आपकी जो ब्रोंकियल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से आपको सांस की बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसके अलावा तमाम कंडीशन आती हैं इसके अंदर, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़, यानी ब्रिटेनल सिरप को बेसिकली क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ COPD की ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको कफिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कफिंग हो रही हो, आपने बहुत ज़्यादा सिरप इस्तेमाल किए हो लेकिन आप पर कोई असर नहीं हो रहा, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो, उसके अलावा ये थे दोस्तों इसके तमाम बेनिफिट्स के किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक ब्रोंकोडायलेटर है, यानी जो सांस की नालियाँ हैं इनके मसल्स को रिलैक्स करता है, इनको डायलेट करता है और इस तरह से सांस लेने में आसानी पैदा करता है। तो व्यूअर्स, अगर हम इसके तरीका इस्तेमाल की बात कर लें तो ये अडल्ट में इस्तेमाल किया जाता है और इसको बच्चों में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसको हर एज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं आपको अडल्ट में इसका डोजेज का बता दूँ, तो अडल्ट में 2 से 3 चाय के चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चों में अगर 3 साल से कम हैं तो आपने आधा टीस्पून इस्तेमाल करवाना है। अगर 3 साल से 5 साल है तो आपने आधे से 1 टीस्पून इस्तेमाल करवाना है। अगर 6 साल से ऊपर है तो 1 से 1.5 टीस्पून इस्तेमाल करवाना है। तो दोस्तों, इसके ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो सिरप के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ दिस सिरप। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो आपको यानी कि ओवरडोज की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि आप में इचिंग हो सकती है, यानी कि आपको ज़्यादा खर्च हो सकती है, आपको रैशेज़ हो सकते हैं, इसके अलावा आपके सर में दर्द हो सकता है, चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा सीना भी आ सकता है। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। तो दोस्तों, इसकी प्राइस की बात कर लें तो ये एक बहुत ही सस्ता सिरप है, ये आपको किसी भी फार्मेसी से 48 में मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी तमाम इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रिटेनल सिरप के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।